हाई पेट एसोसिएशन माइनरिशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कुछ ब्रीथ की प्राइस की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कैसी की क्या प्राइस चल रहा है अभी। तो जैसे कि देख ही लगे रहे आप, फर्स्ट ब्रीथ जो हम लोग कवर करेंगे वो सीट जो है, बट बोलना चाहता हूँ कि हर ब्रीथ की प्राइस अलग अलग है और हर जगह पे अलग अलग है। मेनली ब्रीथ की प्राइस डिपेंड करता है ब्लड लाइन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, एज के ऊपर और पेरेंटल डिटेल्स के ऊपर, और कहाँ से आप ले रहे हो, कौन सा फॉर्म कैनल से, मतलब बहुत सारा फैक्टर है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्राइस बोल दिया कि और यही प्राइस होगा, मतलब फिक्स प्राइस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर ब्रीडर, हर सेलर के पास हर पपी की, हर ब्रीड की अलग अलग प्राइस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ब्रीड हम लोग ले रहे हैं, सिज्जू की पपी ले रहे हैं। देखिए सिज्जू ऐसा ब्रीड जब भी आप ले तो हमेशा ध्यान रखें कि एक अच्छा सेलर से, ब्रीडर से ले, बिकॉज जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, सिज्जू जहाँ पर सिज्जू दिखाता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिज्जू से ब्रीड के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रॉड वगैरह हो सकता है, आपको लासा का मिक्स भी दे सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें अच्छा एक सेलर से, ब्रीडर से ले। और अगर हम प्राइस की अगर बात करेंगे, फर्स्ट मुंबई से शुरू करते हैं। मुंबई में अगर सिज्जू की पपी लेंगे तो अभी के डेट में 15,000, जैसे में 100% प्योर क्वालिटी का सिज्जू पपी आपको मुंबई में मिल जाएगा। दिल्ली में देखेंगे तो 12,000 के आसपास में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो कि बहुत मैक्सिमम ब्रीडिंग होता है वो सब एरिया में भी मान लीजिए 10 to 12,000 के बीच में सिज्जू पपी मिल जाएगा। आसाम नॉर्थ ईस्ट में भी अभी 18 to 20,000 के आसपास में सिज्जू की प्राइस है। कोलकाता में देखेंगे तो 14-15,000 जैसा कोलकाता में भी सिज्जू का भी प्राइस है। और साउथ की तरफ भी देखेंगे तो साउथ की तरफ प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15,000 तक है, बिकॉज साउथ की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स है, कुछ कुछ एरियाज़ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15,000 के बीच में साउथ की तरफ भी प्राइस है, मैक्सिमम 15,000 जा सकते हैं। देखिए दोस्तों प्राइस कोई फिक्स नहीं है कि यही प्राइस है, यही होना चाहिए, ये एक लमसम आइडिया है कि उसके नीचे थोड़ा 500-1,000 रुपये कम भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलते हैं और दूसरा ब्रीड की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग और एक बेहतरीन ब्रीड ले रहे हैं, वो है सर्वेन हस्की। दोस्तों देखिए सर्वेन हस्की को लेकर बहुत लोगों का मीट है कि इंडिया में सर्वेन हस्की सर्वाइव नहीं करते, आप लेके भी आएंगे तो एक्सपायर हो जाएगा या डेड हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर आप बाहर से लाएंगे और आज आपको पपी चाहिए, आज ही आप बाहर से लाएंगे तो थोड़ा बहुत इशू हो सकते हैं, बट यहाँ पे इंडिया में जितना पपी सेल हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, मतलब एडॉप्शन हो रहा है, सारे बहुत पहले इंडिया में ही इनका पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आ गया था और ब्रीडिंग होते होते इन लोग का ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा सेंसेस हो गया। तो अभी इंडिया के वेदर, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लोग मतलब फिट हो गया है, तो अभी कोई इशू होने वाला नहीं है। अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे तो हस्की का भी हेल्थ ग्रोथ के साथ काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिपेंड करता है, मेनली आइस के ऊपर, ब्लू आइज़ या ब्लैक आइज़ में या रेयर आई में, बट अभी हम लोग एक एवरेज क्वालिटी का ब्लू आइज़ में प्राइस बात करेंगे। तो अगर हम प्राइस की अगर बात करेंगे तो मुंबई जैसे जगह में हस्की अभी 20,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, एक वर्क लाइन क्वालिटी का, अप्रोक्सीमेटली 45 to 75 days की, मतलब 1.5 महीने से लेके 2-2.5 महीने तक की ये प्राइस है, और विदाउट वैक्सीनेशन ये प्राइस है 20,000 तक मिल जाएगा। असम नोटिस में देखेंगे तो 25 to 30,000 के बीच में प्राइस है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल में देखें तो 18-20,000 तक आपको हस्की काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। दिल्ली में देखेंगे तो जिनके पास ब्रीड होगा, अगर डायरेक्ट ब्रीडर से लेंगे तो 15,000 तक भी आपको अच्छा क्वालिटी का दे देगा। ये तो 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 में भी मिल जाएगा, बट वो बहुत ही लो क्वालिटी का होगा। मैं जो क्वालिटी बोल रहा हूँ ये एक जेन्युइन अच्छा हेल्दी क्वालिटी का प्राइस बोल रहा हूँ। और पंजाब, हरियाणा जो सब जगह में मेनली ब्रीडिंग होता है वो सब में भी 12 to 15,000 के प्राइस है, बिकॉज वो ब्रीथ करता है और साथ ही कि जल्दी से जल्दी पापी सब सेल आउट कर दें। और साउथ की तरफ भी देखेंगे तो 20,000 के आसपास में साउथ की तरफ भी अभी हस्की का प्राइसेस है। दोस्तों आपके घर के लिए, गार्डिंग या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अगर आपको बड़ा सा ब्रीथ चाहिए जो हेल्दी हो, बहुत ही एक्टिव हो, बहुत ही फुर्तीला हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड हो, तो डॉबरमैन आपके लिए काफ़ी अच्छा एक चॉइस हो सकता है। तो और डॉबरमैन का भी दो ब्लड लाइन का आता है, यूरोपियन और अमेरिकन। यूरोपियन थोड़ा सा कॉस्टली आता है और जो लोग मतलब यूरोपियन बहुत ही कम ब्रीड होता है या बाहर से मंगाना पड़ता है यूरोपियन ब्लड लाइन का प्योर आपको चाहिए तो, बट अमेरिकन ब्लड लाइन का जो है वो नॉर्मली हर ब्रीडर के पास, हर सेलर के पास अमेरिकन ब्लड लाइन का आपको डॉबरमैन पपी अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो अवेलेबल करा देगा।
अगर आपको चाहे तो, ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है बट देखने में हेल्थ वगैरह काफ़ी खूबसूरत ही रहता है। ऑलमोस्ट यूरोपियन ब्लडलाइन जैसा ही कोई कैरेक्टर सिग्नेचर वगैरह होता है। तो प्राइस की अगर बात करेंगे मुंबई जैसे जगह में अगर आप अभी लेंगे डॉबरमैन ऐसे क्वालिटी का, ये तो थोड़ा सा बड़ा है एज में, छोटा लेंगे 2 महीने से लेके 3 महीने तक तो मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास में मिल जाएगा। असम नॉर्थ ईस्ट में प्राइस ऑलमोस्ट डबल है, डायरेक्टली 20-25,000 बोलता है। अब डिपेंड करता है आप कितना बार्गेन करके कम प्राइस में आप ले सकते हो। दिल्ली में भी 10,000 के नीचे में ही आपको मिल जाएगा डॉबरमैन पपी, ये विदाउट केसे पेपर का है, केसे होने से थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। पंजाब हरियाणा राजस्थान जहाँ पे ब्रीडिंग होता है काफ़ी तादाद में डॉबरमैन की ब्रीडिंग होता है, वो सब एरिया में भी 10,000 की या 10,000 के नीचे की में ही वॉट लाइन का मिल जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का केसे पेपर चाहिए तो मान लीजिए 15,000 तक की प्राइस जा सकता है। और साउथ की तरफ भी मानिए तो 12-15,000 के आसपास में डॉबरमैन की प्राइस है। और अभी हम बात करें कोलकाता में, कोलकाता में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीड होता है डॉबरमैन जैसे ब्रीड की, और इंडिया के हर जगह पे डिलीवरी भी होता है। तो कोलकाता में भी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 के आसपास में डॉबरमैन की प्राइस है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग और एक बहुत ही बेहतरीन ब्रीड, वो है साउ साउ। बिकॉज साउ साउ बेहतरीन बोलना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि 2-3 साल पहले साउ साउ के बारे में बहुत लोग जानता भी नहीं था, बट आजकल हर कोई लोग मतलब बहुत लोग लेना चाहते हैं, जैसे ओमेडियन स्पीच हो गया, अभी साउ साउ भी ऐसे ही हो गया। तो जब डिमांड कम था तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे 60-70,000 में भी कभी कभी साउ साउ की पपी जैसे बिकता था ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पर। तो प्राइस तो उतना ज़्यादा कभी होता ही नहीं था, बट ब्रीडर सेलर लोग ने क्या किया, मतलब बहुत बढ़ा के रखा था बिकॉज एक काफ़ी अच्छा एक एग्जोटिक ब्रीड है और बाहर से आते हैं, तो वो बोल के प्राइस थोड़ा ज़्यादा करके बिकता था। बट अभी प्राइस थोड़ा सा कम होने लगा है। तो सबसे ऐसा ब्रीड की अगर आप डॉग लेंगे तो मुंबई जैसे जगह में अभी 30,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा अच्छा क्वालिटी का। और ये सब ब्रीड ना हमेशा मेरे हिसाब से केसी रेसर पपी या अच्छा एक रेपुटेड कैनल या ब्रीडर से लेना ही ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है ब्लड लाइन को लेके या मिक्स या ब्रीड को लेके भी। तो दिल्ली जैसे जगह में लेंगे तो 50-20,000 के बीच में है, आसाम नॉर्थ ईस्ट में लेंगे तो आप 30,000 प्लस ही आएगा। पंजाब हरियाणा जहाँ पे ब्रीड होता है, दिल्ली में भी जो ब्रीड होता है ये सब ब्रीड का, तो उधर में भी 20,000 के नीचे में आपको मिल जाएगा। साउथ की तरफ लेंगे तो साउथ की तरफ भी 25,000 के आसपास में अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा। कोलकाता में लेंगे तो कोलकाता से मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी ब्रीड लेने के लिए, अगर मिल भी जाए तो मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास में आपको कोलकाता में भी आसानी से मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही ब्रीड कवर किया, होपफुली आपको ब्रीड भी अच्छा लगा, प्राइस भी पसंद आया। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके निकलना।